सब्सक्राइब कीजिए इंडियन सोशल मीडिया को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जिसे आप लोग बहुत ज़्यादा समझते होंगे, लेकिन हम इतना समझते हैं कि सारी दुनिया में मोहताज तारुफ नहीं है। इसलिए कि दारुल उलूम देवबंद सारी दुनिया का महसिन इदारा है और उसकी शुरा के रुकन आले वक़ार वो लोग नहीं होते जो इंतहाई जिनके जो बिल्कुल कुछ नहीं होते, वो जो कुछ होते हैं वही वहाँ पहुँचते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना ही तारुफ काफ़ी है। यूँ तो आप अपने गांव के अतबार से उनको जानते हैं समझते हैं, तो इसलिए उनके दरमियान में हायल होना मैं समझता हूँ ये बड़ी गुस्ताखी है। सुवेदबी तो ज़रूर है, तो लेकिन आप सुनिए मेरे तीन चार शेर बर्दाश्त कर लें बस, बताओ तो फिर आगे कहेंगे तो हम सुना देंगे आपको जो है। जी लेकिन ये मेरी तरफ से बर्दाश्त करें आप। इरशाद है। बज़ाहिर तो ये दुनिया खूबसूरत है, सुहानी है। मेरे शेख मुर्शिदुल उम्मत हज़रत मौलाना कमरुज़्ज़मान साहब इलाहाबाद हफ़िज़हुल्लाह बहुत पसंद फरमाते हैं, इसलिए उनकी पसंद को मैं अपनी पसंद समझकर आप तक पहुँचाता हूँ। इरशाद है। बज़ाहिर तो ये दुनिया खूबसूरत है, सुहानी है, बका इसको नहीं हासिल, ये दुनिया दारे फानी है। ओ नौजवानों, आपके मसाए जमीला काबिल मुबारकबाद हैं, लेकिन सुनो मेरा शेर खास तौर से, संभाल के रखो आप। इरशाद। कभी इतरा के चलता है, कभी बलखा के चलता है, कभी बलखा के चलता है, कभी इतरा के चलता है, कभी इतरा के चलता है, कभी बलखा के चलता है, कभी इतरा के चलता है। तू जिस पर नाज करता है ये दो रोजा जवानी है, तू जिस पर नाज करता है ये दो रोजा जवानी है। बज़ाहिर तो ये दुनिया खूबसूरत है, सुहानी है। सुभान अल्लाह, सुभान। न हो मगरूर दौलत के नशे में मेरे भाई, मेरे भाई ना हो मगरूर दौलत के नशे में तू, ना हो मगरूर दौलत के नशे में ए मेरे भाई, नशे में ए मेरे भाई। नहीं रहती किसी के पास दौलत आनी जानी है, नहीं रहती किसी के पास दौलत आनी जानी है। बज़ाहिर तो ये दुनिया खूबसूरत है, सुहानी है। और ये शेर बतौर ख़ास आप मुलाहज़ा फरमाएं, नौजवानों की नज़र ख़ास तौर उनसे जो सिर्फ मोहब्बत के दावेदार हैं। अगर तू खुद को कहता है मेरे आका का दीवाना, मेरे मौला का दीवाना, अगर तू खुद को कहता है, अगर तू खुद को कहता है मेरे आका का दीवाना, मेरे मौला का दीवाना, तो फिर दाढ़ी के बारे में ये कैसी आना कहानी है, तो फिर दाढ़ी के बारे में नारे तकबीर, नारे तकबीर। बज़ाहिर तो ये दुनिया खूबसूरत है, सुहानी है। अगर तू खुद को कहता है मेरे आका का दीवाना, मेरे आका का दीवाना, अगर तू खुद को कहता है, अगर तू खुद को कहता है मेरे आका का दीवाना, मेरे मौला का दीवाना, तो फिर दाढ़ी के बारे में ये कैसी आना कहानी है। बज़ाहिर तो ये दुनिया खूबसूरत है, सुहानी है। हमेशा कामयाबी ने उसी के पांव चूमे हैं, कदम उसके ही चूमे हैं,
ہمیشہ کامیابی لے، ہمیشہ کامیابی لے قدم اس کے ہجوم میں ہے، قدم اس کے ہجوم میں ہے۔ محمد مصطفیٰ کی بات جس انسان نے مانی ہے، محمد ظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے، سہانی ہے۔ پر ایک حقیقت اور برداشت کر لو یہاں پر مفتی اسماعیل صاحب جلوہ بھرا رہے، تکبیر نعرہ تکبیر، کرم فرما یہاں پر مفتی اسماعیل صاحب ہیں۔ یہ میرے ساتھی بھی ہیں ہمارے، تو اس لیے ساتھیوں کے بارے میں کبھی کبھی محبت کا بھی اظہار کیا جاتا ہے اور کبھی کبھی سوئد بھی ہو جاتی ہے۔ بلا وہ جو بھی ہو کرم فرما یہاں پر مفتی اسماعیل صاحب ہیں، یہاں پر مفتی اسماعیل صاحب جلوہ فرما ہے، یقیناً جلوہ فرما ہے۔ انہیں معمولی مت جانو، یہ ہستی جانی مانا دوبارہ پڑھیے مفتی اسماعیل صاحب جلوہ فرما ہے، یقیناً ہے کرم فرما یہاں پر مفتی اسماعیل، یہاں پر مفتی اسماعیل صاحب جلوہ فرما ہے۔ جی ہاں تشریف رکھتے ہیں، انہیں معمولی مت جانو، یہ ہستی جانی مانی ہے۔ بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے، سہانی ہے۔ فضل بھائی وہی اللہ کے محبوب کا محبوب ہے محسن، وہی محبوب ہے اللہ کے محبوب کا محسن، وہی جس مومن کی پیشانی پہ سجدوں کی نشانی ہے۔ دنیا کو نعرہ تکبیر سہانی ہے۔ بس زیادہ ہو جائے گا، بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے۔ شکریہ، بہت بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ قاری صاحب نذرانہ نعت پاک پیش کر رہے تھے، آئیے میں